इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्र की 52, 53, 54, 55 और आकलन 9 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्र की 51, नीचे लिखे वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य लिखें। तय, मैंने कल जंगली पशु देखे थे, तो इसमें आएगा मैंने कल पालतू पशु देखे थे। जंगली का विलोम होगा पालतू। मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश का विलोम होगा दुखी। मैं आज बहुत दुखी हूँ। चिड़ियाघर में पशु आज़ाद रहते हैं, आज़ाद का विलोम पराधीन। चिड़ियाघर में पशु पराधीन रहते हैं। उसे व्यापार में लाभ हुआ, लाभ का विलोम है हानि। उसे व्यापार में हानि हुई। डे, गुलशन डरपोक है, तो गुलशन डरपोक का विलोम है बहादुर, बहादुर है। गणित एक सरल विषय है, सरल का विलोम है कठिन, गणित एक कठिन विषय है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्य में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दिए गए रिक्त स्थान में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करें। सुबह का विपरीत होगा शाम। सूरज सुबह उगता है एवं शाम को ढलता है। मेहनती का विलोम है आलसी। मीना बहुत मेहनती है एवं राहुल आलसी है। कच्चे का विलोम है पक्के। हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए। प्रसन्न का विलोम है अप्रसन्न। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए न कि अप्रसन्न। ये था कार्यपत्रक 51। कार्यपत्रक 52, दी गई कविता को पढ़कर आगे बढ़ाइए। कागज की गुड़िया के आँख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। उल्लू की आँख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज की गुड़िया के कान नहीं, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। कागज की गुड़िया के जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे बोलेगी, गुड़िया कैसे बोलेगी। तोते की जीभ लगाकर गुड़िया ऐसे बोलेगी, गुड़िया ऐसे बोलेगी। ये कविता हमने आगे बढ़ाई है। आगे हैं दूसरा। आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता के नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। बगीचा, बर्फी, चीनी, लड्डू, आम, मिठाई, हलवा, झरने और पहाड़। रसगुल्लों की खेती होती बड़ा मज़ा आता। सारी रेत चीनी होती बड़ा मज़ा आता। बाग लगे आम के होते बड़ा मज़ा आता। शरबत झरने के होते बड़ा मज़ा आता। हलवे का पहाड़ होता बड़ा मज़ा आता। घर पर उगते उगते बड़ा मज़ा आता। 1 रुपये किलो मिलती मिठाई बड़ा मज़ा आता। ये था कार्यपत्रक 52। कार्यपत्रक 53, मैं भी भूखा न रहूं। इसमें भूखा विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग करके लिखें। आदमी, लाल, कमजोर, खट्टा, मोहन, बस्ता, तीखी, चटनी, भैंस, साधु और तेज। इसमें लाल, कमजोर, खट्टा, तीखी और तेज ये है विशेषता बताने वाले विशेषण। दूसरा है मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है तो दूध के बारे में बता रहा है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखें। जैसे कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी, भला। तो भला होता है आदमी, मोटी होती है गांठ, गहरा होता है तालाब, चमकीला होता है हीरा, घना है पेड़
और कच्चा है धागा। तीसरा प्रश्न, नीचे लिखे हुए वाक्यों को उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा करें। हरा, लाल, 2 किलो, लंबा, झूठ, नमकीन, वीर और ताजा। सीमा ताजा फल खाती है। नेहा बाजार से 2 किलो आम लेकर आई। सैनिक वीर होते हैं। मेरे घर के आगे लाल फूल खिले हैं। सरिता ने राजू से झूठ नहीं बोला। ये था कार्यपत्रक 53। कार्यपत्रक 54, कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप। चाची पिछले आंगन में जा फटक रही थी सूप। गैया पीपल की छाया में चबा रही थी घास। जबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। कविता में कपड़े लटके हुए हैं। कपड़े कहाँ लटक रहे हैं देखिए, रस्सी पर। जबरू कुत्ता लेटा हुआ था गाय के पास। चाची सूप कहाँ फटक रही थी, चाची सूप पिछले आंगन में फटक रही थी। गैया घास कहाँ चबा रही थी, गाय पीपल की छाया में घास चबा रही थी। जबरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा होगा, पीपल की छाया में आराम करने के लिए लेटा होगा। कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े बना है। नीचे लिखे शब्द के बहुवचन लिखें। गाय का बहुवचन है गायें। इसी प्रकार रस्सी का बहुवचन होगा रस्सियाँ। कुत्ता का बहुवचन होगा कुत्ते। आँख का बहुवचन होगा आँखें। सातवां प्रश्न, गाय घास खाती है, हमें दूध देती है, उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं लिखिए। दूध से बनता है दही, दूध से छाछ बनता है, दूध से मक्खन, दूध से मावा, दूध से बनता है पनीर, दूध से मिठाइयाँ आदि दूध से ही बनते हैं। यथा कार्यपत्रक 54। कार्यपत्रक 55, दिए गए चित्र को देखिए और साथियों पर इसमें के साथ इस पर चर्चा करें। चर्चा के बाद नीचे इससे जुड़े सवालों के जवाब दें। नीचे देखिए, ये परिवार है, ये हैं दादा दादी, ये है मम्मी पापा, चाचा चाची और ये इनके बच्चे हैं। ऊपर एक परिवार का चित्र दिया गया है। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं गिनकर लिखें। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, इस परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम है, वो आपसे जो रिश्ता है लिखें। तो इसमें हमारे परिवार में राधा मोहन दादाजी, लक्ष्मीबाई दादी जी, किशन गायरी पापा है, सीता गायरी मम्मी, अजय गायरी भाई, जीनू गायरी बहन। आपके परिवार में कौन कौन विद्यालय जाते हैं, उनका नाम लिखें। अजय, जीनू और मैं, कोमल गायरी। अगला है, आपके दादाजी क्या पहनते हैं लिखें। दादाजी हमारे धोती कुर्ता। आपके जो भी पहनते हो दादाजी यहाँ लिख दें आप, वही सही होगा। आपके पापा क्या काम करते हैं लिखिए। तो पापा खेती का काम करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, वो भी यहाँ लिख सकते हो आप, वो भी सही है। आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्र होता है लिखिए। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रा आदि त्यौहार पर इकट्ठे होते हैं। ये था कार्यपत्रक 55। आकलन नौकाहल देखेंगे हम अब। नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दें। नाना जी ने नानी से बोले, अगर कहीं पा जाऊं घोड़ा, तुमसे हो जाऊं मैं ऊंचा थोड़ा। नानी बोली, अगर कहीं हाथी पा जाऊं, तुमसे ऊंची मैं हो जाऊं। तो नाना जी घोड़े पर बैठ रहे और नानी जी कह रही है मैं हाथी पर बैठ जाऊंगी। यह वार्तालाप किन किन के बीच हो रहा है, नाना नानी के बीच।
नाना जी पाना चाहते हैं, नाना जी घोड़ा पाना चाहते हैं, जबकि नानी किस पर बैठकर नाना से ऊंची होना चाहती है, नानी हाथी पर बैठना चाहती है। नानी क्या पाना चाहती है, नानी हाथी पाना चाहती है। नानी जी ने नाना जी को क्या जवाब दिया? नानी बोली, यदि मेरे पास हाथी होता तो मैं उस पर बैठकर तुमसे भी ऊंची हो जाऊंगी। अगला प्रश्न है, आप किस पर सवार होना चाहोगे और क्यों? कि मैं घोड़े पर सवार होना चाहूँगा क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है। तो आप भी घोड़े हाथी किस पर बैठना चाहते हो, उसका नाम यहाँ लिख दें। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। पतला का विलोम मोटा, पक्का का कच्चा, बीमार का विलोम स्वस्थ, साफ का विलोम गंदा, खट्टा का मीठा, ठंडा का गर्म, बुरा का अच्छा, नया का पुराना, सुबह का शाम और सरल का कठिन होगा। आठवां प्रश्न, दिए गए रिक्त स्थानों को विशेषण शब्द पूरा करें। विशेषण शब्द से पूरा करना है, महक मीठे आमलाई, सविता की नहीं कमीज उसे दे देना, मदन ठंडा पानी पीना चाहता है, तारा ने स्वादिष्ट खाना बनाया, आपने किस किस जानवर की सवारी की है, ऊंट घोड़ा हाथी जिसकी भी की हो यहाँ लिख दें। यह था कार्यपत्रक 51, 52, 53, 54, 55 और आकलन नौ का हल। और भी कार्यपत्रक व आकलन के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी के हल करके एक साथ डाल रखे हैं, वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।